इंदौर के किशनगंज थाना पुलिस में अंतर्राज्य ट्रक कटिंग गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक ट्रक व चोरी किए गए करीब 222 सर्वे ऑयल की पैकेट व एक ट्रक जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। दरअसल फरियादी कपूर मसीह निवासी पंजाब ने किशनगंज थाने पर रिपोर्ट लिखवाई थी। उसने अपने आयशर ट्रक क्रमांक DL DC 6234 में फरियादाबाद हरियाणा से सर्वो ऑयल के 1506 कार्टून भरकर इंदौर में 18 अक्टूबर को सुबह इंदौर सर्वो ऑयल की डिपो कैप्स टाउन कॉलोनी पिगडम्बर में खाली करने हेतु खड़ी की थी। 21 अक्टूबर की सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच अपनी आयशर ट्रक के कैबिन में सो रहा था, तभी आयशर हिलने लगी। जब फरियादी नव उठकर बाहर देखा तो आयशर के पीछे किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपना ट्रक मेरी आयशर से चिपका कर लगा दिया था। मुझे देखकर इस ट्रक का ड्राइवर तथा उसके साथी गण अपने ट्रक को तेजी से भगाकर पिथमपुर तरफ ले गए। मैंने अपनी आयशर गाड़ी को चेक किया तो पाया कि मेरे आयशर ट्रक की सील को कटर से काटकर आयशर में से कुल 1506 सर्वो ऑयल के कार्टून में से 328 सर्वो ऑयल के कार्टून नहीं थे, जो उक्त बदमाशों ने चोरी कर ले गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर गुजरात के गोधरा जिले के गैंग के बारे में जानकारी मिली, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गुजरात के जिला गोधरा में पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आरोपी कासम निवासी गोधरा, उजेफा निवासी गोधरा और सुफियान निवासी गोधरा को गिरफ्तार कर चोरे गए सर्वो ऑयल में कुल 222 कार्टून जब्त किए गए थे तथा चोरी में प्रयुक्त वाहन ट्रक GC 23Y 8237 को भी जब्त किया गया। 22 तारीख की बात है, 22 अक्टूबर की। फरियादी है कपूर मसीह, पंजाब का रहने वाला है। इसने आकर के रिपोर्ट किया था कि उसकी आयशर ट्रक नंबर है DL 1GC 6234। फरीदाबाद हरियाणा से वो सर्वो ऑयल के कार्टून लेके चला था। कुल 1506 कार्टून थे। गाड़ी वो लेकर के आया था सर्वो ऑयल डिपो कैप्सटाउन कॉलोनी पिगडम्बर में है। वो 18 तारीख को गाड़ी ला करके उसने वहाँ शाम को 6 बजे खड़ी की थी। उसके बाद 21 तारीख को सुबह करीब 5:30 बजे के बीच, चूँकि गाड़ी जो है डिपो के बाहर खड़ी थी, कैंपस के अंदर नहीं थी, तो ड्राइवर अंदर ही सो रहा था उसके, तो उसके आयशर के कुछ हिलने की आवाज़ उसको आई। उस पे से उसकी नींद खुली, उसने जाके पीछे देखा तो एक ड्राइवर अपने ट्रक को जो सटाक के पीछे लगाया हुआ था वो गाड़ी लेकर तेज़ी से भागा। तब उसको यह शंका हुई कि गाड़ी के अंदर से कुछ हुआ है, तो उसने फिर पूरी गाड़ी में चेक किया तो 328 सर्वो के जो ऑयल के कंटेनर थे, कार्टून थे, वो उसको कम मिले। उसके बाद उसने थाने पे रिपोर्ट किया। रिपोर्ट पे थाने पे मुकदमा कायम हुआ 759/21 धारा 379 भादा भी चोरी का, ट्रक कटिंग का मामला कायम हुआ। अब चूँकि अभी किशनगंज थाना क्षेत्र में पहले भी एक दो वारदात, देपालपुर में भी एक आध वारदात ऐसी हुई है, तो जो हम लोग ने रिकवर की थी उसमें गोधरा के गैंग जो है वो ज़्यादातर पते में आ रहे थे, तो उसी को चिन्हित करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर और मुखबिरी की गई, तो मुखबिर के द्वारा पता लगा कि गोधरा वाली मूसा की गैंग जो है उसका इसमें हाथ है। उसमें से फिर टीम गठित हुई और टीम को फिर गोधरा भेजा गया। वहाँ गोधरा से फिर उन्होंने 3 लोगों को, 6/11 को जो है टीम वहाँ गई, जिसमें से 3 एक कासम पिता मोहम्मद कालू निवासी असरफी की मस्जिद के पास बेजलपुर रोड गोधरा, दूसरा उजेफा पिता याकूब निवासी तारू सलाम सोसाइटी गोधरा, और तीसरा सुफियान पिता फारूक बामजी निवासी फलिया गोधरा। ये 3 के 3 जो है मिले, जिनके पास से एक ट्रक जिससे इनने कटिंग के लिए जिसका प्रयोग किया था GJ 23Y 8237 और उसके अंदर 222 कार्टून सर्वो ऑयल के ये बरामद हुए।